हाय फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारा जो स्मार्ट लॉन्ड्री आपका प्रोनलोड वॉशिंग मशीन 959 सीरीज का, उसको डेमो फीचर्स आप कैसे दें, ठीक है। उसका जो फीचर्स है आप कैसे कस्टमर को एक्सप्लेन करें, उसका हर एक फीचर्स कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन करें। जैसे मैं इसका जो डेमो इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी मेरा पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ये दो तीन वीडियो में, कि आपको जो बेसिक चीज़ें फॉलो करना है, प्लग पॉइंट 16 एम्पीयर का प्लग होना चाहिए, ठीक है। जेल पाइप जो है हमेशा ये 80 से 100 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए। जैसे आप एक बार दिखा दो इसे पेशेंट में, जैसे पीछे में फिक्स होता है तो ये जो मशीन है वो ऐसा ही जो हाइट में रहता है इस हाइट में एक बार होना चाहिए, ठीक है। इस हाइट से कभी भी इसको हटाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 80 से 100 सेंटीमीटर पीछे जो ट्रांजिट बोल्ट होता है 1 2 3 4 ये जो ट्रांजिट बोल्ट है इसको हमेशा रिमूव करना है बिफोर स्टार्ट द मशीन, ठीक है। इसका बटन कवर लगाना है, तो बटन कवर कभी भी लगाओ आप, तो बटन कवर लगाने से पहले आपको ट्रांजिट बोल्ट नहीं हटाना है, पहले बटन कवर लगाना है उसके बाद ही आपको ट्रांजिट बोल्ट हटाना है। नहीं तो क्या होगा, आप बटन कवर लगाने के टाइम हम मशीन को हिलाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ड्राम आपका इधर उधर हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। और आपका बटन कवर आप कैसे यूज करोगे, ठीक है, कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो बटन गार्ड है थोड़ा सा पहले जो हमारा मॉडल आता था उससे थोड़ा डिफरेंस है, तो आप उसको कैसे लगाए वो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा। बटन कवर अगर फिक्स करना है तो बटन कवर को आपको पहले ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के वहाँ पे रेस्ट करना है, नीचे में रेस्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ खींच के सामने की तरफ हल्का हल्का ही खींच लेना है। और यहाँ पे दो स्क्रू है, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ, जो यूज़र मैनुअल के साथ में होगा ऐसे सीरीज में, दोनों स्क्रू को आपको स्क्रू कर देना। तो बटन कट लगाने के बाद और जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डिटर्जेंट बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट मैं डिटर्जेंट बॉक्स में आता हूँ। इसका जो डिटर्जेंट बॉक्स है इसको खोलने के लिए आपको ऐसे खोलना है और इसमें चारों कंपार्टमेंट दिया हुआ है। अगर आपको पाउडर डिटर्जेंट यूज करना है तो इसको ऐसे आपको ऊपर कर देना है, और ये आपका मैक्सिमम लेवल है, इसको ऊपर नहीं देना है, ठीक है। आप बेसिकली कस्टमर को हमेशा यूज करो मैटिक डिटर्जेंट यूज करने के लिए, क्योंकि बिना मैटिक अब जब झाग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मशीन में आपका वाटर लीकेज का प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा और कपड़ा ठीक से क्लीन नहीं होगा। और अगर लिक्विड डिटर्जेंट कस्टमर दे रहे तो उसको ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर आपका सॉफ्टनर दे सकते हैं, और अगर कुछ डेटॉल वगैरह ऐसा कुछ दे सकते हैं, एंटीसेप्टिक कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टमर यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपका डोर ओपन क्लोज है, यहाँ पे हमारा एक सेफ्टी के लिए फर्स्ट, अगर कभी डोर लॉक हो गया, पावर ऑफ हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे यहाँ से आपको डोर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हुक दिया है यहाँ से आपको इसको खींचेंगे तो डोर ऑटोमेटिक अपना अनलॉक हो जाएगा। तो उसका पहले डोर ओपन करने से पहले आपको यहाँ से पानी को निकाल देना है, ठीक है। ये कैप को निकाल के यहाँ से छोटा सा कंटेनर रखो, उसके अंदर पानी को निकाल दो, नहीं तो क्या होगा, पानी सारा आपका इधर आ जाएगा और गर्म पानी होगा तो अनसेफ भी है। और ये आपका फिल्टर जो है, ये फिल्टर को आपको खोल के कस्टमर को बोलना कि बीच बीच में खोल के इसको क्लीन करना है, ठीक है। तो नया मशीन में जब खोलोगे यहाँ से थोड़ा आपको पानी मिल सकता है, दैट इज़ नेचुरल, क्योंकि लैब में फैक्ट्री में ये मशीन टेस्ट रन होता है तो उस टाइम इसमें पानी जाता है। तो नया मशीन में ये क्वेश्चन रहता है कि नया मशीन में सर पानी कैसे मिलता है, क्योंकि ये जो हर मशीन लैब में वहाँ पर फैक्ट्री में टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए इसके अंदर थोड़ा पानी रह जाता है, दैट इज़ नॉर्मल, नो इशू ऑफ दैट, ठीक है। अभी अगर मैं इसका डेमो के बारे में बताऊँ तो फर्स्ट जो है ये इसका पावर बटन है, तो ये जस्ट टच बटन है, जैसे जमाना नहीं है, जस्ट इसको ऐसे आप टच करोगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर ऑन करने के बाद 2 मिनट तक आप मशीन में कुछ काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्राम ना हो, टोटल इसमें 12 प्रोग्राम है, ठीक है। एक कॉटन है, मिक्स है, एलर्जी केयर है, वीक वॉश है, डेलिकेट है, रिफ्रेश है, आपका बेबी केयर है, बेडिंग है, अंडरवेयर है, स्पिन है, सेल्फ क्लीन है एंड रिमोट है। कॉटन मतलब जो हमारा कॉटन का कपड़ा उसके लिए। उसके बाद आता है आपका मिक्स, जिसमें आप कॉटन एंड सिंथेटिक दोनों टाइप का कपड़ा आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एलर्जन केयर, जो मेडिकेट कपड़ा है, पेशेंट का कपड़ा है, ठीक है,
या कभी कभी कस्टमर को लगता है कि मेरे को इसमें एलर्जी है, ठीक है, तो उस टाइप का कपड़ा को कस्टमर यहाँ पे धो सकता है। उसके बाद आता है क्विक 15, मतलब क्विक वॉश, जिसमें कम गंदा वाला कपड़ा हो, डेली वॉश मतलब हल्का सा गंदा हुआ है, रात को पहना है, सुबह उसको धोना है, तो ऐसा 4-5 कपड़ा इसमें धो सकते हैं। उसके बाद आता है डेलिकेट, जो कॉस्टली कपड़ा होता है उसके लिए ये डेलिकेट प्रोग्राम होता है। उसके बाद आता है रिफ्रेश, ठीक है, जो मान लो कस्टमर अभी सोचा कि मेरा घर ये मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, इसको अभी मैं मेरे को पहन के जाना है, ठीक है, लेकिन उसको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा स्मेल आ गया, तो डायरेक्ट इसको वो रिफ्रेश में दे सकते हैं। इसमें बिना पानी का वो खाली स्टीम से उस कपड़ा को वॉश करेगा, उसके अंदर कोई क्रीज नहीं रहेगा, उसका ऑर्डर निकाल देगा, ठीक है, और उसको नया जैसा लगेगा। तो हमारा जो कॉस्टली कपड़ा होता है, या जो जैसे मैंने पहले ही बताया कि या सॉफ्ट टॉयज होता है, ठीक है, हमारा ब्लेजर वगैरह होता है, या ड्राई वॉश फीलिंग मिलेगा कस्टमर को ये रिफ्रेश प्रोग्राम में, तो ड्राई वॉश का जो कॉस्टिंग होता है वो भी कस्टमर को बच जाएगा। उसके बाद आता है बेबी केयर, जो बच्चा का कपड़ा होता है उसके लिए बेबी केयर फंक्शन है। बीडिंग, जो हमारा बेडशीट वगैरह होता है जिसमें गंदा जाता है, उसके लिए ये बीडिंग प्रोग्राम है। अंडरवेयर, क्योंकि अंडरवेयर में भी हमारा जाम्स वगैरह ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये गंदा ज़्यादा होता है। उसके बाद खाली अगर कस्टमर स्पिन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पिन फीचर्स है। उसके बाद आता है सेल्फ क्लीन, सेल्फ क्लीन है कि ये ड्राम को क्लीन करने के लिए, जनरली इसका अंदर जो होता है हमको हमेशा ये क्लीन लगता है, लेकिन इसका आउटसाइड भी क्या होता है कि पानी की वजह से उसके बाहर में सेडिमेंट आ जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए सेल्फ क्लीन फीचर्स है। तो एज पर गाइडलाइन आपको हर 50 साइकिल के बाद ये सेल्फ क्लीन प्रोग्राम को आपको एक बार कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिमोट प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्मार्ट मॉडल है, तो इसको जब अगर कस्टमर एप्स के थ्रू चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में कस्टमर को इसको रिमोट में पोजीशन में रखना है, नहीं तो क्या होगा, डिवाइस ये ऑफलाइन दिखा देगा। तो हमेशा जब भी कस्टमर एप्स के थ्रू चलाएगा, मशीन को ऑपरेट करेगा, तो यहाँ से इसको रिमोट में रखना है, ठीक है। अभी इसमें जो एडिशनल फीचर, इस पर बेसिकली कि ये ऑटो इंटेलिजेंस फीचर्स है, कोई भी प्रोग्राम आप, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आप सेट करो, डायरेक्ट आप स्टार्ट कर दो मशीन आपका, उसका बेस्ट जो फीचर्स है उस हिसाब से वो काम कर देगा। उसमें जो जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना स्पीड चाहिए, जितना उसको वाटर चाहिए, उस हिसाब से वो काम कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर चाहता है कि थोड़ा एडिशनल फीचर्स चाहता है, तो दिस इज द एडिशनल फीचर्स, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कि डिले, कस्टमर चाहता है कि मेरे को बाद में वॉश करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट कस्टमर यहाँ से डिले प्रोग्राम में जाता है, तो आधा घंटा बाद ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो 4.5 घंटा 5 घंटा, जो इससे 5 घंटा हो गया, 5 घंटा मतलब 5 घंटा में मेरा मशीन पूरा वॉश कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये जैसे कस्टमर चाहता है कि मेरे को थोड़ा बाद में इसको वॉश करना है, तो अगर मैं 5 घंटा देता हूँ, दैट मीन्स आफ्टर 5 आवर्स मशीन विल फिनिश द प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीम, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि शुरू में मशीन अपना स्टीम से मशीन को धोलता है, तो उसमें खाली स्टीम आता है 60 डिग्री में, जो स्टीम क्या करता है मशीन कपड़ा के अंदर से जो आपका ऑर्डर होता है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल रहता है उसको कपड़ा से निकाल देता है, तो उससे एक होता है कि उसका ऑर्डर वगैरह निकाल जाता है, जम्स वगैरह क्लीन हो जाता है, सारा बैक्टीरिया कील हो जाता है, और साथ ही साथ कपड़ा जो होता है उसका क्लीन जो है वो और भी अच्छा होता है। लेकिन ये जो स्टीम फीचर्स है ये खाली ये 6 प्रोग्राम में काम करेगा, एक तो कॉटन, दूसरा आपका मिक्स, ठीक है, तीसरा है कि एलर्जन केयर, उसके बाद आता है आपका अंडरवेयर, उसके बाद आता है बेडिंग, और उसके बाद बेबी केयर। तो ये जो 6 प्रोग्राम है, खाली ये 6 प्रोग्राम में आपका स्टीम फीचर्स काम करेगा, बाकी जो फीचर्स है आपका प्रोग्राम्स है उसमें ये काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है कस्टमर हर प्रोग्राम के साथ साथ एक डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग दिया होता है, कस्टमर अगर चाहता है तो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बढ़ा भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कौन सा प्रोग्राम कस्टमर सेट किया, जैसे कॉटन में आपका 90 जा रहा है, लेकिन अगर कस्टमर मिक्स में करेगा तो इसमें 90 नहीं जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम अगर हम डेलिकेट चूज करते हैं तो डेलिकेट में आप देखो टेम्परेचर 30 के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कस्टमर कभी टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, कस्टमर ये टेम्परेचर बटन से कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्पीड, ठीक है,
स्पीड जो है आपका स्पिन का जो स्पीड है ये आपका 1400 इसका मैक्सिमम है, ठीक है। तो कस्टमर अपना प्रोग्राम के हिसाब से इसका स्पिन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कस्टमर को भी गाइड करना है कि हमेशा हाई स्पीड में स्पिन करना उसका फैब्रिक के लिए सही नहीं होता है। आप जितना हाई स्पीड में आपको स्पिन करोगे तो क्या होगा, आपका फैब्रिक उतना जल्दी ख़राब होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा रिंस। एक्स्ट्रा रिंस क्या है कि आप अगर एडिशनल रिंस चाहते हो, ठीक है, आप नहीं भी चाहते हो, एक चाहते हो या दो चाहते हो, अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ डर्टी कितना गंदा है, ठीक है, उस हिसाब से आप एडिशनल चाहते हो। कभी कभी कस्टमर चाहता है कि मेरा को मतलब साबुन रह जाता है, ऐसे कौन सा माइंड में एक रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कस्टमर एडिशनल रिंस करना चाहते हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक मेमोरी फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज मेमोरी फंक्शन, बेसिकली कस्टमर चाहता है कि कोई एक प्रोग्राम को अगर सेट करके रख सकते हैं कि जबकि बाद में वही प्रोग्राम को रेगुलर यूज़ करते हैं, हो सकता है हर वीकेंड में या महीने में दो बार वो प्रोग्राम को यूज़ कर दे, तो उस कंडीशन में उसको मेमोराइज कर सकते हैं, जो बाद में कस्टमर को जस्ट मेमोरी बटन दबा के उस प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कॉटन प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर जो है वो मैंने 90 डिग्री कर दिया, इसका स्पीड जो है वो मैंने 1400 कर दिया, और एक्स्ट्रा रेंज जो है उसको मैंने 2 कर दिया, अभी मैं इसको मेमोराइज कर दिया। जैसे स्टार्ट सिंबल आ गया, ये इसका मेमोरी में चला गया, अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मशीन मेरा मान लो स्टार्ट हो गया, उसके बाद मान लो मैंने मशीन को कस्टमर को मशीन को बंद कर दिया, फिर कस्टमर द्वारा अपना मशीन को ऑन किया, कस्टमर चाहता है वही वाला प्रोग्राम फिर चाहता है, तो उसके लिए कस्टमर को कुछ नहीं करना है, जस्ट मेमोरी को दबाना है। तो अभी देखो टेम्परेचर जो है 90 डिग्री आ गया, स्पीड 400 आ गया और एक्सट्रेंस 2 आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से कस्टमर कोई भी प्रोग्राम को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टार्ट पॉज प्रोग्राम, तो मशीन को स्टार्ट और पॉज यहाँ से कर सकते हैं, तो बीच में कस्टमर मशीन को रोक सकता है यहाँ से, ठीक है। कॉल का अगर हो सकता है कस्टमर लगा कि अभी मशीन को पॉज करना है तो यहाँ से पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मशीन स्टार्ट होगा यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे आपका पॉज कर देगा तो उस कंडीशन में आपका डोर ओपन होता है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। अगर आप मशीन को चालू मशीन को पॉज कर दोगे तो, लेकिन ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा अंदर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तो उस कंडीशन में लॉक अनलॉक नहीं भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये लॉक होता है, लेकिन ये कस्टमर को नहीं बताएं, क्योंकि इसमें अगर डोर को आप ओपन करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मशीन से पानी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका डेमो फीचर्स, ओके। तो दोस्तों ये आपके पास एक नया मॉडल है, ठीक है। इसका जो वाईफाई कनेक्शन है वो मैं कैसे आप करूँ, ठीक है, कैसे उसका वाईफाई कनेक्शन करना है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ दूसरा वीडियो में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हमेशा कस्टमर जब भी डेमो जा रहे होंगे तो यहाँ पे मैक आई डी बोल के मैक आई डी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मैक आई डी को आप जरूर साथ में लेके आना है ऐप्स कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको टॉप कवर खोलना है, तो डिस्प्ले पीसी के बैक साइड में आपको ये मैक आई डी मिलेगा, और सिस्टम में जब भी आपको कॉल को क्लोज करना है तो उस टाइम आपको जो मैक एड्रेस है वहाँ पे आपको ये नंबर देना है, ठीक है, इनपुट करना है, ओके। तो दोस्तों थैंक यू, अगर इसका रिलेटेड इसका फीचर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट